हार गया भाई, दिल जो था वो टूट भी गया और थोड़ा सा एहसास भी हुआ है कि भाई ये फाइनल फ्रंटियर इतनी आसानी से कॉन्कर हो नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत कोशिश की है, भरसक प्रयास किया है, बहुत बार करीब पहुंचे हैं पर हरा तो नहीं पाया साउथ अफ्रीका को यार। ये वो वाला फ्रंटियर है जिसको आई डोंट नो हाउ वी विल एंड अप कॉन्करिंग, इफ वी विल कॉन्कर पता नहीं कब, क्योंकि ये वाला मौका भी अब हाथ से जा चुका है। पहला टेस्ट मैच हम हार चुके हैं। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। चोपड़ा जी, क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और जैसे कि आज थोड़ी सी और वो बदल गई है मेरी लोकेशन, लोकेशन बेसिकली बेडरूम है, क्योंकि छोटे से घर होते हैं यहाँ पे। कभी आप आइएगा, मौका मिले आपको लंदन या फिर एडिनबरा या कहीं पे भी, इन नन्नू से घर होते हैं यहाँ पे, तो उसके अंदर लिविंग रूम जो है उसी में किचन है साथ में, ऐसे ही होता है। तो उसमें अभी बच्चे और वाइफ वहां पर हैं, तो मैंने कहा चलो यहाँ छोटी सी अपनी सेंचुरी ढूंढता हूँ और एक वीडियो बना देता हूँ भैया आप लोगों के लिए। वैसे आज आपकी वाणी भी मैंने की है ऑन #आकाशवाणी, तो वो चेक कीजिएगा जियो सिनेमा पे। अब कहानी यह है कि इस मुकाबले की क्या बात करें। सी, इस मुकाबले के जो दो तीन बड़े बड़े थ्रेड्स हैं वो ये है, एक तो डीन अर्ली, ये खिलाड़ी ऐसा है जो कि टेक्निकली खड़ूस तरीके का जो प्लेयर होता है ना, वो पुराने जमाने का, वो जो माइकल आथरटन की जो मोल्ड में बना हुआ खिलाड़ी, कि आप ऑफ स्टंप के बाहर डालोगे मैं नहीं खेलूंगा, मैं गेंद को छोड़ता रहूंगा छोड़ता रहूंगा छोड़ता रहूंगा, जस्ट शॉट मिलेगी तो पॉइंट की तरफ कट मारूंगा, मेरे को अगर आप सीधी गेंद डालोगे स्टंप्स में डालोगे तो मैं पैरों पे बहुत रन बटोरूंगा। इट्स वेरी टिपिकल ऑफ ओपनर्स, मतलब टेस्ट के जो अच्छे ओपनर्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार से खेलते हैं, और डीन एलगर ने भी वही काम किया। बिल्कुल तरीके से सलीके से खेले और बहुत खेले यार, क्योंकि जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो क्या लग रहा था, ऐसा लगा कि यार मैच ना उतना खराब नहीं है, मतलब भारत से उतना दूर नहीं है, इंडिया वापसी इसमें कर लेगा। लेकिन कैसे करेगा वापसी, वापसी करने के लिए डीन एलगर का आउट होना जरूरी था, मार्को यानसन का आउट होना जरूरी था, दोनों आउट हुए नहीं, मतलब इतनी बड़ी लीड मिल गई कि कहीं मतलब हो गया यार ऐसी की तैसी एकदम सच्ची में। तो डीन एलगर तो जो है सो है सर, उन्होंने बहुत रन बना दिए, लेकिन उसके बाद बारी थी भारतीय बल्लेबाजों के आने की। लेकिन उससे पहले एक और चीज थोड़ी सी हाईलाइट हुई कि जो सेंचुरियन की पिच थी इसमें मदद बहुत थी भैया। कुछ बॉलें तो ऐसे टेक ऑफ कर रही थी जो कि मतलब मैं बॉल टू बॉल तो नहीं देख पा रहा हूँ, लेट्स बी फेयर। आज मैं गया था कहाँ, वो ग्लेनको के पास, वो बहुत दूर, हम बर्फ बर्फ से एक्चुअली खेल के, हमने एक स्नोमैन भी बनाया, बहुत खूबसूरत जगह है, जाइएगा आपको कभी मौका मिले तो। तो बॉल टू बॉल तो नहीं देख पाया पर आई वॉज सर्चिंग के हाईलाइट देखता रहता हूँ। कुछ बॉलें टेक ऑफ की, जैसे वो शार्दुल की बॉल पे जो आउट होते हैं हमारे डीन एलगर साहब, या फिर यशस्वी आउट होते हैं बर्गर की गेंद पर, कहीं गेंदें थी यार जो ऐसे कर ठक करके एकदम से टेक्स ऑफ, तो उस पे ना उनके गेंदबाजों की, क्योंकि कद काठी लंबा है ना, 6-6 फुट 6-6 2 ऐसे वाले गेंदबाज हैं, उनको ज्यादा मिलता है यार, दे गेट द मोस्ट आउट ऑफ द कंडीशन, जो कि हमारे गेंदबाज नहीं कर पाते। हमारे गेंदबाज थोड़े स्किडी रहते हैं, उतने लंबे कद के होते नहीं है, थोड़े से स्किडी बॉलर होते हैं, और उतना ज्यादा मदद नहीं मिलती पिचेस से जितनी वो सामने वाली टीम ले जाती है। अब कुल मिला के रन बहुत सारे बन चुके थे, और इतने रन के लिए उस समय लग रहा था कि गया भारत, अब यहां से वापसी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो गया था इंडिया के लिए। पर ये भी कहते हैं कि यार इम्पॉसिबल शब्द में ही तो पॉसिबल छुपा है, तो करके दिखाओ। अब उसके लिए फिर ओपनिंग अच्छी करके दिखाओ, लेकिन ओपनिंग कैसे अच्छी, क्योंकि कगिसो और रबाडा की जेब में है, उनकी पीछे वाली जेब में है रोहित शर्मा का नंबर, ऐसा प्रतीत होता है। कितनी बार आउट कर चुके हैं, यहां पे भी आउट कर दिया, पिछली इनिंग में बाउंसर पे था, इस इनिंग में बहुत तगड़ी गेंद थी, अच्छी पड़ती है बाहर की तरफ जाती है, टॉप ऑफ ऑफ पे लगती है, रोहित शर्मा शुरुआत में आउट, दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल आउट, उनको भी ऐसे ऑलमोस्ट अनप्लेएबल से डिलीवरी लगी, उसके बाद शुभमन गिल आते हैं, 2-4 चौके जरूर लगाते हैं लेकिन फिर वो भी आउट। अब सवाल है भैया, क्योंकि अगर आप एशिया के नंबर्स देखें, मैं शुभमन की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि शुभमन वो कहते हैं ना प्रिंस एंड किंग एंड ऑल ऑफ दैट, तो प्रिंस को किंग बनने के लिए काम करने पड़ेंगे, वो यू हैव टू वॉक दैट टाइट रोप, और भारत से बाहर जाके अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो एशिया और एशिया के बाहर के जो नंबर है उसमें थोड़ा जमीन आसमान का अंतर है एट दिस पॉइंट इन टाइम। ऑफकोर्स अ वेरी यंग करियर, पर जब तक वो सेना कंट्रीज को कॉन्कर नहीं करेंगे तब तक भाई किंग तो नहीं कहलाएंगे, ये बात पक्की है, क्योंकि वो काम किंग बाद में करके दिखाते हैं। आई जस्ट टॉक अबाउट, तो वहां यशस्वी आउट हो जाते हैं, वहां पे शुभमन गिल आउट हो जाते हैं, इसके बाद श्रेयस अय्यर इज अनदर वन जिनके ऐसा उनके खेलने के तरीके से लगता है कि शायद वो पूरी तरह से सेना कंट्रीज में परफॉर्मेंस के लिए तो तैयार नहीं है अभी। वनडे बहुत अच्छी खेलते हैं, बहुत ही बढ़िया खेलते हैं एक्चुअली, 50 ओवर की क्रिकेट इनकी सबसे फेवरेट फॉर्मेट है, अभी वर्ल्ड कप में 500 रन बनाए हैं, और वनडे क्रिकेट तो मुझे लगता है कहीं पर भी खेलेंगे ठीक खेल जाएंगे, इनको उतनी दिक्कत नहीं होगी, वो हैमिल्टन में भी रन बनाए थे भाई ने। लेकिन जब टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे तो फिर ये जो स्पिन फ्रेंडली पिचेस हैं एशियन कंडीशंस, चाहे वो बांग्लादेश इंडिया हो श्रीलंका हो, यहां ये बहुत अच्छा खेलेंगे क्योंकि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट इन सेना कंट्रीज
स्पेशली मतलब वेस्ट इंडीज को भी छोड़ दें अगर, तो साउथ अफ्रीका सेना में नहीं आती है वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया दिक्कत होगी यार, इतनी आसानी से इनसे रन नहीं बनाए इतने दिए जाएंगे इनको, उसके बाद राहुल भी आउट हो जाते हैं। पर जो तारीफ योग्य बात थी वो थी विराट कोहली की। अब विराट कोहली की पारी इतनी अच्छी क्यों थी? इनिंग्स पहली इनिंग्स में भी अच्छा खेले थे, एक्चुअली खराब पारी नहीं थी, लेकिन दूसरी इनिंग में तो और भी अच्छा खेले, क्योंकि बड़े यार असर्टिव, मतलब फुटवर्क जो था ना एकदम ऐसा था कि दूसरी तरफ से विकेट्स गिरते जा रहे हैं, पर बंदा ना एकदम मंक की तरह वो तपस्या में लीन है, आगे बड़ा लंबा सा पांव निकालना, बैकफुट पे पूरा जाना, अच्छे शॉट्स लगाना, रन्स को ढूंढना, स्टेप आउट करके फार्म करना स्ट्राइक, बहुत कोशिश की कि अच्छा खेलते रहे। एंड वेल डिजर्व्ड 100 जो मिस हुआ यहाँ, एक्चुअली जितना अच्छा वो खेले उतना अच्छा अगर आप खेलो तो 100 बनना चाहिए। तो फिर इट वॉज लिटिल सैड कि ही रन आउट ऑफ पार्टनर्स इन दी एंड, और एंड में तो खैर कैच बहुत अच्छा पकड़ा ना बार्डन ने, पर आखिरी विकेट टू फॉल ना, तो क्या ही कर लोगे। तो कोहली ने तो बैटिंग करके बता दिया, राहुल ने भी पहली इनिंग में बैटिंग करके बता दिया, लेकिन बाकी बल्लेबाज जो थे वो थोड़े से नहीं, एक्चुअली काफी दे लेफ्ट लॉट टू बी डिसाइड, एंड दैट इज वेयर द गेम चेंज्ड। मतलब आप कह सकते हैं कि बॉलिंग साधारण हुई, और मैं डाउट नहीं कर रहा हूं, मुझे लगता है कि शमी को हमने बहुत मिस किया, पर मोर देन द बॉलिंग इट वॉज अबाउट द बैटिंग, क्योंकि अगर आपकी 20 विकेट गिर जाती हैं और आप सामने वाली टीम की एक इनिंग के स्कोर को पूरा नहीं कर पाते, और वो एक इनिंग का स्कोर कोई 550-600 नहीं है, वो 400 ही है, तो अगर आप नहीं कर पाते तो इसका मतलब यू हैवंट बैटेड वेरी वेल। और कर लेंगे हम वापसी अगले मैच में, शायद हम कर लेंगे, बाउंस बैक कर सकते हैं, पर अपॉर्चुनिटी लॉस्ट वन मोर टाइम, सच है। आज के लिए मेरे पास इतना ही है।